हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल। आज हम जेली फ्रूट केक बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रूट जेली केक बनाने के लिए हम अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट को ले लेंगे। जैसे कि मैंने ये पाइनएप्पल ले लिया है, अनार है, संतरा है, बनाना है, एप्पल है, कीवी। इनको हम छील कर कट कर लेंगे। संतरे का हम जूस बना लेंगे। और ये नारियल है, इसका हम कोकोनट मिल्क बनाएंगे, तो इसको काट लेते हैं। संतरे का जूस बना लिया है, अब हम ये कोकोनट मिल्क बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी कोकोनट ले लिया है। ये मैंने आधा कोकोनट लिया है, पूरा कच्चा नारियल है ये, तो इसमें आधा गिलास पानी डाल लेंगे और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और छान लेंगे। ये मैंने कोकोनट को पानी डालकर ग्राइंड कर लिया था और अब मैंने इसको छान लिया है। ये हमारा कोकोनट मिल्क तैयार हो गया है। जेली केक बनाएंगे तो इसके लिए एक कप ये नारियल का पानी ले लेंगे। 150 ग्राम नारियल का पानी है, तो इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे। एक चम्मच अगर पाउडर डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। पाउडर को मिक्स कर लिया है, अब गैस पर चढ़ा देंगे और इनको गाढ़ा कर लेंगे। चीनी और अगर मिक्स हो गया है और ये गाढ़ा हो गया है, अब गैस को बंद कर देंगे। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें कटे हुए फ्रूट डाल देंगे। इसको सेट होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। अभी हम ये एक कप कोकोनट का मिल्क डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और 1 चम्मच अगर पाउडर डाल देंगे। अगर को मिक्स करके उसकी गुठलियाँ हटा ली थी, अब इसको गैस पे चढ़ा के 2 मिनट के लिए गाढ़ा कर लेंगे। ये अच्छी तरह पक गया है, गाढ़ा हो गया, गैस को बंद कर देंगे। इसमें थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल देंगे और इसको भी इसके ऊपर डाल देंगे पूरा। इसको सेट होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। 1 कप ऑरेंज जूस डाल देंगे, 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। जूस थोड़ा खट्टा होता है तो इसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे, 1/2 चम्मच अगर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। संतरे का जूस खट्टा होता है तो ये फट जाएगा, इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये मैं वेज जिलेटिन से केक बना रही हूँ, इसमें नॉन वेज भी आती है जिलेटिन और अगर तो आप देख के ले लें। जूस में उबाली आ गई है तो गैस को बंद कर देंगे। कोकोनट मिल्क भी हमारा सेट हो गया है, अब इस पर ये ऑरेंज जूस डाल देंगे। अब इसको सेट होने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट तक। जेली केक को 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था, अब इसको डीमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले चाकू से इसके एजेस छुड़ा लेंगे। केक हमारा बन गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे।